पाकिस्तानी कोपेमा मोहम्मद अली सदपारा ने केटू सर कर लिया मोहम्मद अली सदपारा को मौसम सरमा में नागा पर्वत सर करने वाले पहले आलमी कोपेमा होने का एजाज भी हासिल है इससे पहले जनवरी में 10 नेपाली कोपैमाओं ने पहली बार मौसम सरमा में केटू सर किया था मोहम्मद अली सदपारा और साजिद सदपारा की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए सदपारा के गाँव के रस्तों और गलियों को कौमी परचमों ऐसी सजाया गया है जबकि घरों की छतों आरोप भी कौमी परचम लहराए गए हैं दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी केटू की मुहिम जोई के दौरान हादसा भी पेश आया जिसमे गैर मुल्की कोपेमा बर्फानी शिगाफ में गिर कर लापता हो गए जिनकी तलाश अभी जारी है अली ने समाजी रबिटर आरोप लिखा अलहमदुल्ला कीपेमा सर करने आरोप पर पाकिस्तानी है मैं बतौर पहला पाकिस्तानी कोपैमा जिसने सर्द मौसम में ये एजाज हासिल किया समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर आरोप इन्होने लिखा अलहमदुल्ला दुनिया की दूसरी बड़ी कोपेमा पैमा सर करके पाकिस्तानी परचम लहरा दिया मैं बतौर पहला पाकिस्तानी को कोपेमा जिसने सर्द मौसम में ये एजाज हासिल किया अब दुनिया भर में अपने मुल्क और अपने इलाके सकर्दू का नाम रोशन करूंगा इससे कबल दुनिया की दूसरी बुलंद के सर करने के लिए पाकिस्तान आने वाले बल्गारियन कोपेमा मुहिम के दौरान हादसे में हलाक हो गए थे अल्पाइन कल्प ऑफ पाकिस्तान की जानब ऐसी जारी होने वाली प्रेस रिलीज में बताया गया की अतानास जॉर्जियो उन्नीस दिसम्बर दो हजार बीस को पाकिस्तान पहुँचे थे इस्लामाबाद मुहिम के हवाले ऐसी तमाम मुतलका लवाजमा पूरे और मराहल तय होने के बाद वो उनतीस को केट के बेस कैंप पहुंचे थे 5 फरवरी को ग्यारह बजकर बीस मिनट में वो कैंप थ्री के इलाके में नीचे गिरे हादसे की वजह अफाजती रस्से का टूट जाना बनी कैंप थ्री चौबीस हजार सात सौ फुट की बुलंदी पर है इनकी लाश एडवांस बेस कैंप जो की अठारह हजार फुट की बुलंदी पर है वहाँ से मिली अतानास की लाश को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए चार बजे स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया था